अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत उस वक्त सच होती दिखाई दी जब प्रदेश के प्रधान सेवक सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ लूट सामने आई। दरअसल किसान अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई की मक्का की फसल लेकर जब मंडी पहुंचे तब उन्होंने खुद को ठगा महसूस किया। जहां 1950 रुपये प्रति क्विंटल में बिकने वाला मक्का किसानों से 850 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। किसान जार जार रोने को मजबूर हैं और इधर व्यापारियों और मंडी सचिव जेएस परमार की सांठगांठ से किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है, जिससे किसानों में सीएम शिवराज के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा मक्का का मूल्य 1950 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी तय की गई है, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा को धता बताते हुए प्रदेश के किसानों के साथ लूट जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन धारण कर किसानों को अपना परम हितैषी बताने से नहीं चूकते। आप खुद ही तय करिए कि जब बीते 16 सालों से मुख्यमंत्री पद पर काबिज सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में किसानों का यह हाल है तो फिर प्रदेश के किसानों का भगवान ही मालिक है। मतलब टोटल मिला के हार्वेस्टर्स निकला, एक ट्राली से भाड़ा ढुआ सारा करके मतलब लगभग 30,000 रुपए खर्चा हुआ मेरा दोनों एकड़ में। और मिल कितना रहा है इसमें? अभी अभी 1,000-1,200 ज्यादा नहीं बिकेगी साहब। हाँ, 1,000 बिक जाए, 1,200 बिक जाए। तो ये 950 लगा रहे हैं रेट, इसकी क्या कहोगे आप? नहीं तो साहब ये 950 में तो देना ही नहीं है। हाँ, इनकार करवा देंगे, कहीं भी होगा वो घर देखेंगे फिर वापसी। तो फिर ये ले जाओगे लाओगे तो इसमें डीजल नहीं खर्चा? वो तो डीजल का सर, मैं तो दूसरा का ट्रैक्टर लेकर आया सर, हमारे ट्रैक्टर नहीं है। भाड़ा दूसरा का से लेकर आया, 1,500 रुपए उसका भाड़ा देना, 1,500 फिर देना, तो साहब पीछे ही भाव दिखी तुम्हारे तो कहीं नहीं बचने हमें। गवर्नमेंट ने 1,850 देने का वादा किया था, नहीं ले पाए, यहाँ पे 1,000-1,200 बस। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या पता क्यों कर रहे हैं, क्या सर उसका है, वो तो किसानी करना ही बेकार है साहब, क्या बताएं, परेशान है किसान। तो आपने इस बात की कहीं शिकायत की कि ये हाँ क्यों बिक रही है? शासन से करें तो कौन सुने, किसान की सुन कौन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, सुनवा ही नहीं है, सुनते नहीं है कोई। देना हो तो दो, नहीं तो ले आओ वापस। तो ये लाना ले जाना फिर कैसे चलेगा? अभी तो खर्चा ज्यादा नहीं होगा, क्या करे अब हमारे को, क्या बोने भी तो करना है, उसके लिए खाद बीज के लिए पैसे भी तो चाहिए, किसान की तैयारी के लिए उसके लिए पैसे तो चाहिए। इस बारे में जानना चाहा तो वे जवाब देने से बचते नजर आए। मक्का पर वैसे तो सरकार कह रही है कि 1,800 रुपये एमएसपी होना चाहिए, ये कम क्यों हो रही है ये बताइए परमार। जी बताएं, हाँ हाँ